ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? तो ऐसे कई सारे एरोज मैंने बुक में दिए हैं, लेकिन आप एक्टिविटी कैसे करोगे? मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आपको 5 या 10 मिनट तक नॉन स्टॉप यह स्टूपिड एक्टिविटी करनी है। तो आप एक्टिविटी कैसे करोगे? अगर मैं बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक बंगाली, आई स्पीक जापानीज, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक पुर्तगीज, लैंग्वेज खत्म हो गए, नीचे आ गए। आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, आई स्पीक विथ लता, आई स्पीक विथ गीता, आई स्पीक विथ पिंकी, आई स्पीक विथ रिंकी, आई स्पीक विथ मोहन, आई स्पीक विथ मोहन, आई स्पीक विथ रचना, आई स्पीक विथ पल्लवी, आई स्पीक विथ दादू, आई स्पीक विथ संचिता, आई स्पीक विथ कांचन, आई स्पीक विथ मोहिनी, आई स्पीक विथ, मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद खत्म हो गए, मैं क्रिकेट के टीम में गया, आई स्पीक विथ सचिन, आई स्पीक विथ विराट, आई स्पीक विथ, बोलो जल्दी, आई स्पीक विथ, आई स्पीक विथ, आई स्पीक विथ, आई स्पीक विथ, फुटबॉल के टीम में गया, आई स्पीक विथ, मुझे नाम ढूंढने हैं। देन आफ्टर मैं मेरे घर में आता हूँ, आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई मदर, आई स्पीक विथ माई अंकल, आई स्पीक विथ माई आंटी, आई स्पीक विथ माई सन, आई स्पीक विथ माई डॉटर, आई स्पीक विथ माई वाइफ, आई स्पीक विथ माई ग्रैंड फादर, आई स्पीक विथ माई ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ माई टीचर, आई स्पीक विथ माई प्रिंसिपल, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टेक्निक है। तो नॉन स्टॉप में जब ऐसा बोलूंगा आई स्पीक इन, यहाँ पे प्रिपरेशन कौन था, आई स्पीक इन द क्लास, आई स्पीक इन द किचन, आई स्पीक इन द स्कूल, आई स्पीक ऑन द टेरेस, आई स्पीक ऑन द ग्राउंड, आई स्पीक हियर, आई स्पीक देयर, आई स्पीक टू लर्न, मैं सीखने के लिए बोलता हूँ, आई स्पीक अंडर, आई स्पीक बियॉन्ड, आई स्पीक अक्रॉस। तो ऐसी एक्टिविटीज जब मैं करूँगा तो आपको क्या करना है, एक वर्ब लेना है और उस वर्ब के बाद आपको स्टूपिड बनना है। अभी क्लास छूटने वाला है थोड़ी देर के बाद, ये लड़का क्या करेगा, जब तक वो घर पे नहीं जाता है तब तक वो एक वर्ब ले लेगा और बोलता रहेगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक हियर, आई स्पीक देयर, आई स्पीक इन, आई स्पीक ऑन, आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई अंकल, बोलता रहेगा। जब तक वो घर पे नहीं जाता है तब तक वो बोलता ही रहेगा, सेंटेंसेस डबल होता है तो भी चलेगा। और अगर आपको कोई वर्ड अंग्रेजी में पता नहीं है तो आपकी मातृभाषा में बोलो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे आई स्पीक विथ मामा की लड़की, चलेगा, आई स्पीक विथ चाचा की लड़की, चलेगा। तो ऐसे एक्टिविटीज आपको करने हैं। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, तो मैं यहाँ पे अगर वर्ब चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा इट, तो आप क्या करोगे? यस, विल यू प्लीज कम हियर? यस, एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं, यह एक्टिविटी आपको पता चली, ये एक्टिविटी क्या है, क्या एक्टिविटी? यस, इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स के नेम से, वेरी गुड, पेरेंट्स के नेम से, और उसको इस वर्ड से रिलेटिव करना। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा हमें बहुत सारे लोगों से, हाँ, बोलने में मदद होगी। और उसके बाद ये आपका जो एक्सटेंशन है, प्रीपोजिशंस आपके याद में आएंगे। देन आफ्टर ये सेंटेंसेस कैसे एक्सटेंड करने हैं, जैसे इन, ऑन, अपॉन, एट, तो आपको क्या करना है, स्टूपिड बनना है। स्टूपिड मीन्स व्हाट? आप कितने मिनट तक यह एक्टिविटी कर सकते हो? अगर मैंने आपको बोला आपको स्टूपिड बनना है, लड़के और लड़के आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन आपको बोलना 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 है। अगर मैंने आपको यह एक ईट वर्ब दे दिया तो आप क्या करोगे? आपको खाना है, आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में क्या क्या दिखता है, बहुत सारी सब्जी है। अगर आपको पता चलेगा किसी सब्जी को आपको अंग्रेजी में वर्ड नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? रुकने का नहीं, हिंदी में बोलना नहीं तो मराठी में बोलना। फॉर एग्जाम्पल आइट मेथीची भाजी, चलेगा, लेकिन घर पर जाना है और डिक्शनरी में देखना है मेथीची भाजी को क्या बोलते हैं। ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, लेकिन रुकना नहीं है। देन आफ्टर आप जब यहाँ पे आओगी, आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, तो आप कितने सारे नाम ले सकते हो? बहुत सारे, बहुत सारे। हमें देखना है आप कितने मिनट तक यह एक्टिविटी कर सकते हो। कम से कम 3 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, ठीक है। इसे सिर्फ 3 मिनट तक यह एक्टिविटी करनी है। और इसने मुझे ऐसा चैलेंज दिया है, सर मैं रुकूंगी नहीं, मैं आपको नाम लेके दिखाऊंगी, लेकिन आपको स्टूपिड बनना है, इनको हंसाना है, कुछ भी खाना है, चलेगा। अगर किसी शब्द को अंग्रेजी में प्रॉपर वर्ड नहीं पता है तो उसे आपकी मातृभाषा में बोलना है और डरना नहीं। आपको क्या होना है? रिलैक्स होना है, रिलैक्स। तो हमें देखना है यह 3 मिनट तक यह एक्टिविटी कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ बीच में, आपको ध्यान से सुनना है। इसकी एक्टिविटी आपको क्या करनी है? ध्यान से सुननी है। कम ऑन, स्टार्ट। यस प्लीज। हाँ, आइट मैंगो, आइट एन एप्पल, आइट बनाना, आइट फेनुरिन, आइट ऑनियन, आइट विद राम, आइट विद श्याम, आइट विद प्रज्ञा, आइट विद शनवरी, आइट विद शुभदा, आइट विद सानिका, आइट विद रोहिणी, आइट विद मोहिनी, आइट विद माई फादर, आइट विद माई मदर, आइट विद माई सिस्टर, आइट विद माई ग्रैंड फादर, आइट विद माई ग्रैंड मदर, आइट विद माई ब्रदर, आइट बिटवीन राम एंड श्याम, आइट बिटवीन प्रज्ञा एंड शुभदा, आइट पावभाजी एज वेल एज पानीपुरी, आइट पानीपुरी विथ माई फ्रेंड्स, आइट पावभाजी विथ प्रज्ञा, आइट एवरी डे, आइट डेली, आइट एट 7 AM, आइट एट
10 PM, I eat on Sunday, I eat on Monday, I eat Pani Puri on Monday, I eat Pav Bhaji on Saturday, I eat every day, I eat very well, I eat nice. रुकना नहीं है, come on, start, रुकना नहीं है, come on, start, बोलते जाओ. I eat with my mother, I eat Pav Bhaji with my friends, I eat Pav Bhaji with my father, I eat. और आपने क्या किया, देखो, आपने गलती की, आपने my father है, ठीक है, उसके बाद our father में आना है. I eat with our father, I eat with our sister. देखो मैंने आपको टेक्निक दिया है, नहीं तो आप रुकते नहीं. I eat our ले लो, your, your, उसके घर में घुसो, इसके घर में जाओ. हाँ, सीधा घुसना है आपको किसी के भी घर में. अभी आप उसके घर में जा नहीं सकते हो, लेकिन जाने आपको, आपको उसके बारे में बोलना है. I eat with his father, I eat with his mother, I eat with his uncle, I eat with his wife. Wife बोला तो भी चलेगा, कोई प्रैक्टिस के लिए चलेगा. Are you ready? Come on, start. Yes, huh? I eat with our father, I eat with our mother, I eat with our friend, I eat with our grandfather, I eat with his sister, I eat with her mother, I eat with her sister, I eat with her brother. Very good. I eat with their, unke ghar mein jao. Come on. I eat with their mother, I eat with their father, I eat with their sister, I eat with their mother, I eat with their father, I eat with their grandfather, I eat with their grandmother. Very good. I eat with Ram's father. Ram ke ghar mein jao. Ram's father, I eat with Shyam's father, I eat with Pradna's father, I eat with Sharvari's father, I eat with Naleshwari's father, I eat with. Very good. आपको क्या करना है? Ram's के father में गए तो Ram के घर में ही जाने हैं आपको. I eat with Ram's father, I eat with Ram's sister, I eat with Ram's wife, I eat with Ram's son, I eat with Ram's daughter, I eat with Ram's grandmother. Come on, start. I eat with Ram's father, I eat with Ram's mother, I eat with Ram's sister, I eat with Ram's mother, I eat with Ram's grandfather. Very good, very good. I eat very fast, very slow, I eat at. देख क्या बोल सकते हो? Come on. I eat very fast, I eat very slow, I eat every day, I eat daily, I eat at 7 p.m., I eat at 7 a.m., I eat at 10 p.m., I eat. Yes, then in, yes, के अंदर. I eat in school, I eat in house, I eat in hotel, I eat in hotel. Very good, for, on. I eat on Sunday, I eat on Monday, I eat on Saturday. Very good. ऐसे कई सारे prepositions है, और non-stop अगर आपको बोलना है, तो आपने अभी प्रैक्टिस की, प्लीज टेल मी टू बी फ्रैंक, आपको कैसा लगा? जब आप बोल रही थी तब बीच में अटक अटक के बोल रही थी, बीच बीच में, हर जगह पे नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ सकती है इस माध्यम से? क्योंकि हम तो कभी बात करने की कोशिश ही नहीं करते. अभी एक क्लास छूटने के बाद आपको घर जाना है, तो आप क्या करोगी? आई ट्वीट बोलती रहोगी, तो इससे क्या होगी? फ्लुएंसी आएगी. क्या आपने ऐसे सेंटेंसेस पहले बनाए थे? नहीं. कभी बात करने की कोशिश की थी? नहीं की थी. लेकिन क्या करना है आपको? स्टूपिड बनना है. उससे क्या होगा? प्लीज टेल मी, उससे क्या होगा? टेल मी, अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाए, आपको क्या लग रहा है अभी? थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? कुछ तो भी एक्टिविटी की है, लेकिन यह हमारी स्पीकिंग नहीं है, यह एक्टिविटीज है. और जब आप यह एक्टिविटीज करके आगे जाओगे, तो मुझे बोलना है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप विथ माई मदर, आई गेट अप एट, वेरी गुड, आई ब्रश टीथ, आई ब्रश विथ माई फादर, आई ब्रश विथ माई मदर, आई टेक अ बाथ, I drink tea, I drink coffee, I drink in hotel, I drink with my father, I drink with my friends, I drink in, I drink on, I drink under, I read a newspaper, I read English, I read Marathi, I read Urdu, I read Sanskrit, I read stories, I read with Ram, I read with Shyam, I read with Lata, I read with Gita, I read with my father, I read with my mother, I read with my sister, I read in, I read on, I read upon, at, between, among, as well as, not only, but also, ये हम सीखने वाले हैं. तो इसका फायदा, जब आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करोगे तब आपको फ्लुएंसी आ सकती है. प्लीज बी सीटेड. नाउ लास्ट एक्टिविटी, आपको क्या करना है? वेरी सिंपल. कल की एक्टिविटी क्या है? 5 पर्सन्स लेने हैं जो जिंदा है, फादर, मदर, सिस्टर, या कोई हीरो आपका, क्रिकेटर, और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ एक्शंस में बोलना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट विराट कोहली, आपको सिर्फ कितने सेंटेंसेस बनाने हैं? 15 या 20. विराट लिव्स इन मुंबई, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेस टीथ, ही टेक्स बाथ, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही प्लेज वेरी वेल, ही हिट 6, ही रन्स वेरी फास्ट, ही लव्स हिज वाइफ, ही स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस. बोलना है, बोलना है, बोलना है, और रट्टा मारना है, और वही बात आपको रिपीटेडली बोलनी है, रिपीटेडली बोलना है. देन आफ्टर आपको क्या करना है? फादर लेना है, मदर लेना है, सिस्टर लेना है, आपके टीचर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, राहुल सर, मेरे ऊपर कॉम्पोजिशन बनाओ, और वही बनाओ, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाओ, सिर्फ एक्शन में. राहुल सर लिव्स इन संगमनेर, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेस टीथ, ही टेक्स बाथ, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही रीड्स वेरी फास्ट, ही स्पीक्स वेरी फास्ट, ही टीचेस इंग्लिश, ही लव्स अस, ही टेल्स अस मेनी स्टोरीज.
आपको बोलना है, लेकिन क्या करना है, रट्टा मारना है, और वही क्या करना है आपको मुझे बताना है। तो ऐसे सिर्फ फाइव कॉम्पोजिशन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बनाने हैं, मदर के बारे में बोलना है, और आपके नोटबुक में लिखना है। कितने सेंटेंसेस? ओनली 15 सेंटेंसेस या 20 सेंटेंसेस, ज्यादा नहीं। और वो सेंटेंसेस आपको बिना देख के आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसने कॉम्पोजिशन बनाया माई सिस्टर, अगर मैं इसको बोलूंगा माय सिस्टर के बारे में बताओ, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, माय सिस्टर लिव्स इन संगम नियर, शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, शी ब्रशेस टीथ, वही 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 बोलेगा। सिस्टर भी वही करेगी, मामा भी वही करेगी, थोड़ा बदलेगा। जैसे सी गोज टू स्कूल, मामा गोज टू मार्केट, वो कहाँ पे जाती है, मामा मार्केट में जाएगी। दादी माँ कहाँ पे जाएगी, टेम्पल में जाएंगी। दादाजी कहाँ पे जाएंगे, नदी पे जाएंगे ना, नहीं नहीं वो कहाँ पे जाएंगे, वो भी टेम्पल में जाएंगे। तो थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन वही सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, बार बार बोलने हैं। तो आज मैंने आपको कितनी एक्टिविटीज बताई, दो। पहली एक्टिविटी कौन सी है, वर्ब्स को जेब में रखना है। देन आफ्टर कॉलम मेथड की प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपके पास बुक्स दिए हैं, जोर जोर से रट्टा मारना है, देखो दूसरे दिन आपको कितना बड़ा रिजल्ट आया है। इतनी सारी प्रैक्टिस दे दी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सिर्फ आधा या एक घंटा। आपको कॉलम से प्रैक्टिस करनी है, मैंने पेज नंबर दिया है, सेट सेकंड में मैंने ये कॉलम प्रैक्टिसेस दी है। तो आपको क्या करना है, एक कॉलम प्रैक्टिस के लिए, एक वर्ब के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 3, एक सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे 10 सब्जेक्ट है तो आपको कितने मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपकी कॉलम प्रैक्टिस होगी। देन आफ्टर आप क्या करोगे, कुछ सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करोगे, बोलने की कोशिश करोगे, और उसके बाद यह एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, यह स्टूपिड एक्टिविटी है। अभी आप घर जाओगे, जाते जाते आपको क्या करना है, दो वर्ब लेने हैं। कितने वर्ब्स लेने हैं, दो। और आप क्या करोगे, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक विथ राम, आई स्पीक विथ श्याम, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना, रुकना नहीं है, रिपीटेशन करना है, और वही वही बोलना है। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ सकती है। और कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप सीखने वाले हैं। कौन सा टाइप सीखने वाले हैं, सेकंड टाइप, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी आपने अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलना है, उसके लिए यह एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।